दिस इज़ योर टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी फर्स्ट चैप्टर रिटन बाय खुशवंत सिंह. इन दिस चैप्टर खुशवंत सिंह डिस्क्राइब्स अबाउट हिज ग्रैंड मदर एट हाउ ओल्ड शी वॉज एंड हाउ वॉज शी लुकिंग एट दैट टाइम वेन ही वॉज अ बॉय. He was a child. So let us continue our chapter lecture first. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे कि सबकी दादी माँ होती हैं वो भी एक बूढ़ी औरत थी. She had been old and wrinkled for 20 years. That I had known her. वह 200 साल से मैं उन्हें बूढ़ी और उनके चेहरे पे रिंकल झुर्रियाँ देख रहा हूँ. People said that she had once been young and pretty. लोगों का कहना यह था कि वह कभी बहुत सुंदर या वह सुंदर और जवान दिखती थी. And had a husband. और उनके पास एक पति भी था. बट डैट वॉज हार्ड टू बिलीव. लेकिन यह विश्वास करना मुश्किल था. माई ग्रैंड फादर पोर्ट्रेट्स हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राॅइंग रूम. मेरे दादाजी की जो पोर्ट्रेट थी, पोर्ट्रेट इन द सेंस की पिक्चर, हंग टंगी हुई थी अबव द मेंटल पीस. मेंटल पीस का यहाँ पे अर्थ ये होता है जो फायर वाली पीसेस होती हैं, फायर वाली जो प्लेसेस होती हैं उनके उसके जस्ट ऊपर दादाजी की तस्वीर टंगी हुई थी. और कहाँ, उस ड्राइंग रूम वाले कमरे में जहाँ पे अंगीठी था एक कमरे के कोने में, उसी के ऊपर दादाजी की पिक्चर टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन और उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहनी हुई थी. एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स और ढीले ढाले वस्त्र धारण किए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट. उनकी दाढ़ियाँ इतनी बड़ी थीं कि उनके सीने तक पहुँचती थीं. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old. और उन्हें देख के उस ज़माने ऐसा लगता था कि वो 100 साल के बूढ़े हैं. ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन. उन्हें देख के ऐसा नहीं लगता था कि उनके पास भी एक वाइफ, एक बीवी या बच्चे होंगे. बिकॉज हिज अपीरेंस हेयर डिस्क्राइब्स जस्ट लाइक अ सेंट. क्योंकि उनका जो अपीरेंस यहाँ पे बताया गया है वो एक साधु की तरह दिख रहे थे. एज फॉर ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रेन. उनको देख के ऐसा लगता था कि उनके पास बहुत और बहुत ही ग्रैंड चिल्ड्रेन. ग्रैंड चिल्ड्रेन इन द सेंस नाती पोते थे. एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी. बट वहीं अगर मेरी दादी माँ की बात की जाए तो वो बहुत ही यंग और प्रिटी, बहुत खूबसूरत दिखती थी. दैट थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग. और यह सोच, वहीं दादाजी उस ज़माने में 100 साल बूढ़े थे दिखते थे, लेकिन मेरी दादी माँ उन्हीं की उम्र की थी मगर खूबसूरत और जवान दिखती थी. शी ऑफन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड. उन्होंने मुझे कुछ खेलों के बारे में बताया था जो कि वो जब बच्ची थी तब खेला करती थी. दैट सीम्ड क्वाइट अब्सर्व्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट. जो कि यह बहुत ही ऑकवर्ड, अजीब लगे और ये उनकी पर्सनैलिटी पे सूट नहीं करता था. वी ट्रीट इट लाइक द फैबल्स ऑफ द प्रोफिट्स,
शी यूज़ टू टेल अस। और हम इसे फेबल्स मीन्स शॉर्ट स्टोरी, प्रोफिट्स मीन्स यहाँ पे जो भी उनमें किरदार होते थे उनके बारे में, मीन्स कि उसमें प्रोफिट्स इन द सेंस कि जो कहानियों में किरदार थे उनको आपस में ही वो दोनों उनके भाई बहन लोग बन के वे सुनाती थी, बना के सुनाती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट, वो हमेशा से छोटी और बहुत मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी झुकी हुई भी थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और उनके चेहरों पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ थीं कि पूरा चेहरा उनका झुर्रियों से भरा हुआ था। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक झुर्रियों की लाइन उनके चेहरे पे दौड़ रही थी। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, नहीं हम बिल्कुल भी सर्टेन नहीं हैं इसके लिए कि वो जैसी अभी हैं, जैसे हम उन्हें जानते हैं वैसी वो हमेशा रही हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, बूढ़ी, बहुत भयंकर सी बूढ़ी, डैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि अब और वो बूढ़ी नहीं हो सकती। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और उतनी ही उम्र में वो रुक गई हैं उन 20 सालों से। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी भी खूबसूरत नहीं दिख सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन वो हमेशा कभी भी वो चेहरे से सुंदर नहीं दिख सकती थी लेकिन खूबसूरत थी। शी hobbled अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विथ वन हैंड resting ऑन हर waist टू बैलेंस हर स्टूप एंड द अदर telling द beads ऑफ हर रोजरी, वो कुछ न कुछ अपने मुँह से मंत्रों का जाप करती थी, किसी माला से और माला से लेकर, और उनका एक हाथ उनके कमर पे रहता था तब वो पूरे घर में चलती थी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।